अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जावा एक चेक करें, ये मेरा अपना शौक है। लंबी हाइट में टेल बड़ी ज़ोर लगा के निकाल रहा है, इसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है अपनी कुरीस पूरी करने में। हाइट इसकी माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, और काफ़ी हाइटेड बर्ड है। ये मेरा अपना जो मैं रवा ओल्ड पंजाबी असील का जो मेरे पास हैं, ये उन्हीं की ब्रीड में से है। इसके साथ के तकरीबन सारे ही चले गए हैं अपने अपने ठिकानों पे। ये एक मैंने अपने लिए रखा था, कुरीज़ बड़ी मुश्किल से खा रहा है, और जो इसकी नोक नली है अभी तो बहुत पीली है, लेकिन ये हाइट कर गया है, उम्र इसकी अभी छोटी है। ये बिल्कुल वाइट कर जाएगा जब ज़िंदगी रह गई इसकी तो, और हमारी भी तो, जब ये अपनी ये डंडे और नोक वाइट करेगा तब मैं आपको ये शौक कराऊंगा। ये पीली नहीं रहेंगी, ये बिल्कुल वाइट कर जाएगा जब ये एक साल का होगा। तो जो उस्ताद लोग हैं उनका मानना ये है, मैंने उनसे सुना है, कि जो पट्ठे बड़ी देर से और मुश्किल से कुरीज निकालें वो बहुत अच्छे परिंदे होते हैं। तो आप इसका शौक भी करें, इसकी पीठ देखें, ये चीना जावा सा बन रहा है, और उस जावे से भी हाइट में ज़्यादा हो गया है। और क्योंकि मेरे पास हाइटेड और इसके ब्रीड है, इसके देखें आप डंडों पे अभी तक दुख का निशान भी नहीं जाहिर हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ जाके स्टॉप करेगा। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट करना है। थैंक यू।